नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। जैसे जैसे नए नए आविष्कार हो रहे हैं, ठीक वैसे वैसे ही सुरक्षा बढ़ रही है। लेकिन इस सुरक्षा घेरे को तोड़ने वाले भी काफी सतर्कता से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आजकल बैंकिंग फ्रॉड काफी बढ़ गया है और इन फ्रॉड को लेकर रोज मीडिया में खबरें छप रही हैं। सरकार के भी इन फ्रॉड से बचाने और लोगों को जागरूक करने के बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं इसके शिकार हो रहे हैं। ऐसे में समय समय पर सरकार के साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के साथ ही साथ लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करता है और लोगों को जानकारी देता है कि कैसे आप सुरक्षित रहेंगे। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो एटीएम कार्ड का इस्तेमाल नहीं करता होगा। कैशलेस इकोनॉमी के इस दौर में एटीएम का इस्तेमाल करना सबसे आसान और सुविधाजनक है। तकनीक ने आज भले ही हमारे काम आसान बना दिए हों, लेकिन इसी के साथ अपराधी भी शातिर हो गए। ऐसे में कार्ड क्लोनिंग की खबरें आजकल ज्यादा बढ़ गई हैं। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, चोर आपके कार्ड की क्लोनिंग कर जानकारी के बिना आपके खाते से पैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर ये सब क्या है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। साइबर अपराधी एटीएम, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की क्लोनिंग के लिए मशीन में स्कीमर लगा देते हैं। स्कीमर मशीन को वो स्वाइप मशीन या एटीएम मशीन में पहले ही फिट कर देते हैं। फिर जैसे ही आप कार्ड स्वाइप या एटीएम मशीन में इस्तेमाल करते हैं तो आपके कार्ड की सारी डिटेल्स इस मशीन में कॉपी हो जाती है। इसके बाद ठग आपके कार्ड की सारी डिटेल्स कंप्यूटर या अन्य तरीकों के जरिए खाली कार्ड में डालकर कार्ड क्लोन तैयार कर लेते हैं। इसका इस्तेमाल कर अपराधी दूसरी जगह से पैसा निकाल लेते हैं। इस तरीके से ठग लोगों को लाखों का चूना लगा चुके हैं। एटीएम में कैसे फिट होती है मशीन? कई एटीएम मशीनों में ठग इस तरह की स्कीमर मशीन की किट लगा देते हैं। इसमें कीपैड पर एक मैट के तरीके का उपकरण, स्वाइप की जगह कॉपी मशीन और पासवर्ड को देखने के लिए एक बटन जैसा कैमरा लगा दिया जाता है। इस मशीन में जितने भी एटीएम स्वाइप होते हैं उन सभी का डेटा इसके पास इकट्ठा हो जाता है। इस तरह वो एटीएम कार्ड को क्लोन कर वारदातों को अंजाम देते हैं। कैसे बचे एटीएम की क्लोनिंग से? जब भी आप एटीएम में जाएं तो सबसे पहले मशीन में कार्ड डालने वाली स्लॉट को देखें। यदि आपको ये स्लॉट थोड़ा ढीला लगता है तो इसमें अपना कार्ड बिल्कुल न डालें। गौर करिए कि इस स्लॉट के पास एक लाइट भी लगी होती है। यदि ये लाइट ना लगी हो या जल ना रही हो तो अपने कार्ड को बिल्कुल भी मशीन में ना डालें। इसी तरह जब भी आप पासवर्ड डालें तो अपने हाथों से कीपैड ढक लें, ताकि किसी तरह का कोई हिडन कैमरा लगा हो तो वो आपका पासवर्ड ना देख सके। यदि आपको एटीएम का कीपैड जरा सा भी ढीला लग रहा है तो एटीएम का इस्तेमाल ना करें। अब आते हैं कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो इसको कैसे पाया जाए। कौन देगा आपका लूटा हुआ पैसा? जिस बैंक ने आपको कार्ड जारी किया है वो आपको पैसे वापस करेगा। यदि शुरुआती जांच में ये पता चलता है कि आप स्कीमिंग धोखाधड़ी के शिकार हैं, तो बैंक भुगतान करता है। आरबीआई के अनुसार ग्राहक को इस मामले में कुछ भी खर्च नहीं करना होगा जिसमें अनाधिकृत तरीके से तीसरे पक्ष द्वारा लेन देन किया गया। स्थिति में बैंक और ग्राहक की किसी तरह की कोई गलती नहीं होती है। इसके लिए आपको अपने बैंक में 3 दिन के अंदर शिकायत दर्ज करानी होगी। इसके बाद बैंक बाकी की कार्यवाही पूरी करता है और अधिकतम 90 दिनों के अंदर आपका पैसा वापस खाते में आ जाता है। हालांकि बैंक द्वारा इस समय सीमा से पहले भी कई बार पैसा आपके खाते में डाल दिया जाता है, लेकिन जब तक बैंक की जाँच पूरी नहीं होती है तब तक आप इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बैंक कोई कार्रवाई करे इससे पहले आपको पुलिस थाने जाकर FIR दर्ज करानी होती है। FIR के साथ बैंक कुछ अन्य कागजात भी आपसे लेता है और फिर आपकी शिकायत पर कार्रवाई करता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही आपको ये पता चले कि आपके खाते में कोई गैर आधिकारिक गतिविधि हुई है तो तुरंत आप बैंक को सूचित करें और अपने कार्ड को ब्लॉक करवाएं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब भलाई इसी में है कि आप सावधान रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि बचाव या जानकारी ही मुसीबत से बचने का उपाय है।